कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से क्या है आदि पुरुष की कहानी, कौन होगा इस मूवी का खलनायक? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। प्रभास का इस मूवी में किरदार पोस्टर के हिसाब से भगवान श्री राम से प्रेरित हो सकता है। हालांकि इस बारे में निर्माताओं की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस मूवी से प्रसाद सुथार एक निर्माता के रूप में जुड़े हैं, जो कि अभिनेता अजय देवगन की कंपनी NYVFX वाला में एक विजुअल इफेक्ट्स डिजाइनर के रूप में काम किया करते थे। निश्चित रूप से इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स और VFX की जिम्मेदारी अजय देवगन की इस कंपनी के पास हो सकती है। हम आपको बता दें, देश में कुछ ही समय पहले अतुल्य भगवान श्री राम के मंदिर बनाने की शुरुआत उनकी जन्मभूमि अयोध्या में हो चुकी है। अगर ये फिल्म उसी दौर की हुई तो किसी भी पौराणिक कथा पर इतने बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली ये पहली फिल्म हो सकती है। इस मूवी में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स का काम भी बड़े दर्जे पर होगा। ऐसी ही एक फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के निर्माण में अयान मुखर्जी एक सुपर हीरो फिल्म ब्रह्मास्त्र बना तो रहे हैं, लेकिन उसकी कहानी भी काल्पनिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओम राउत ने कहा, जब उन्होंने इस फिल्म में भगवान राम के किरदार के बारे में सोचा तो उनके दिमाग में सिर्फ प्रभास का ही चेहरा सामने आया था। उन्होंने कहा कि प्रभास से बेहतर प्रभु राम के किरदार को कोई अन्य एक्टर नहीं निभा सकता। उन्होंने कहा कि प्रभास इस समय देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और इस किरदार के लिए उनकी पर्सनैलिटी में शांति और आक्रामकता दोनों ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में सैफ अली खान ने विलन का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। और इसी कड़ी में आदि पुरुष में भी मेन विलन यानी रावण का किरदार सैफ अली खान निभा सकते हैं। हालांकि इस बारे में डायरेक्टर ओम राउत ने कंफर्म भी कर दिया है। आदि पुरुष 3D फिल्म होगी और हिंदी तेलुगु सहित कई भाषाओं में शूट की जाएगी, जबकि तमिल मलयालम और कन्नड़ समेत कई अन्य भाषाओं में डब भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि आदि पुरुष की शूटिंग कुछ ही समय में कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। तो दोस्तों, आप आदि पुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म धमाल मचा पाएगी? क्या प्रभास अपना जलवा एक बार फिर से दिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।